नमस्कार दर्शक बंधु आपको स्वागत जनाऊँ नॉलेज फॉर ऑल योजना को यही भिडियो आम डिस्कस करवा सप्तम श्रेणी तृतीय अध्याय जहाँ रही है आपंकर मोगल साम्राज्य जहाँ 1526 रु 1707 मसीह जो मोगल साम्राज्य भारत में शासन करता से विषय यही टपिक आम डिस्कस करवा तेज चलतु कलम विलम्ब नक यही टपिक को आरंभ करवा प्रथम देखो 16 शताब्दी प्रारंभ में तुगलक वंशर पतन पर सुल्तान शासन दुर्बल हो पड़ा तेणुक पर सामंत और प्रादेशिक शासक मैंने सुल्तान मानू खातर नक निज निजक स्वाधीनता घोषणा करपर भाव से निजक स्वाधीनता घोषणा करते से समय इब्राहिम लोदी और जी कि लोदी वंशर शासक थे सी शासन करते समय अराजकता देखा मिलता सशचारी शासन को अफगान मैंने अफगान अमीर मैंने विरोध कले विरुद्ध षड्यंत्र कर क्षमतार विताड़ित करने चेष्टा कले देखो काबुल राजा से समय थे आपंकर बाबर से आपंकर अफगान जो अमीर मैंने साज्य ने बाबों साज्य ने से भारत को आक्रमण करने को बहुत समय पर चेष्टा करवर्त समय जेहेतु से अमीर मान सा पाले तेणुक से भारत को आक्रमण कले दीर्घ 200 वर्ष पर्यंत मोगल मैंने भारत को निज अधीन रखिले मोगल सम्राट बासभवन जहाँकि बर्तमान देखिपे आप लालकिल्ला बासभवन जहाँ बर्तमान भारत प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस लालकिल्लार जो उद्बोधन दिखती हूँ मोगल सम्राट मान एक मोगल साम्राज्य जो सम्राट मान निर्माण कर एक गुरुत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्थापत्य अटे देखा बाबर बाबर जी कि से तेमुरलंगर जो तेमुरलंगर वंशधर थे से पिता थे उमर शेख मिर्जा जी कि तुर्किस्तान तुर्कमेनिस्तान तुर्किस्तान परागणर राजा थे बाबर से साहसी राजा थे एवं से काबुल और कांधार जय करते परे भारत को से आक्रमण करा चेष्टा कले से चेष्टा कले भारत कंट्रोल कले बाबर और इब्राहिम लोदी मंगर सहित गोटे युद्ध होता जहाँ को आम प्रथम पानीपत युद्ध कही जहाँ 1526 मसीह युद्ध में आपंकर बाबर विजयी होते से दिल्ली और आगरा को अधिकार करते परवर्त समय से 1527 ख्रीटाब्दी बाबर राणा सांघा को से खानवा ठारे परास्त करते से तेणुक युद्ध को खानवा युद्ध बोली कह जाए 1527 ख्रीटाब्दी तब देखो परवर्त वर्ष से 1528 ख्रीटाब्दी से मेदिनी राव सहित युद्ध कर चांदेरी दुर्ग को अधिकार करते परवर्त वर्ष 1529 ख्रीटाब्दी से घाघरा युद्ध लड़ी क्या सहित ना आप नुसरत एवं मामुद को घाघरा नदी कूल से परास्त करते नुसरत और मामुद को से घाघरा नदी कूल से परास्त करते से समस्त अंचल को हत्या करते तेणु जेहेतु यह घाघरा युद्ध तेणुक कह जाए एवं बाबर यह शेष युद्ध जहाँ युद्धकालीन अवसर से यही युद्ध टी जीवन शेष युद्ध परवर्त समय से 1530 ख्रीटाब्दी मृत्युवरण करते साम्राज्य जहाँकि पंजाब ठारू बिहार पर्यंत विस्तार लाभ करता से प्रकृत थे गोटे विशाल साम्राज्य विस्तारकृत गोटे राजा जी कि 1530 ख्रीटाब्दी से मृत्युवरण करते आत्मजीवनी जहाँ बाबर नामा हिसाब से लिखा जाइए जहाँ तुर्की भाषा रे लिखा जाइए बाबर नामा एवं जख पानीपथ जो पानीपथ थी जहाँ को आम कही था पानीपथ जहाँकि दिल्ली ठारू कुरुक्षेत्र आड़ को जीवा बेलरी बेले पानीपथ पड़ता है और खानवा जहाँकि आगरा रु प्राय 32 किलोमीटर दूर से फतेहपुर निकट में खानवा नामक स्थान अच्छी यह हूँ गोटे फैक्ट तब बाबर पर परवर्त जो पुत्र आसते हुमायूं जी कि बाबर मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं 1530 ख्रीटाब्दी से सिंहासन ग्रहण कले मोगल साम्राज्य सुरक्षा पर संघर्ष कले राज्य शासन आरंभ से अफगान मैंने पुणी देखो राज्य शासन आरंभ से अफगान मैंने पुणी दिल्ली उपर निजर डाकई पकाले एवं यही समय हुमायूं हुमायूं भाई मैंने सिंहासन
लाभ पाई चक्रांत कले से हुमाय को क्षमता विहीन बा से मैंने हटावा चेष्टा कले एवं यह विरोध में केतेक सामंत उच्च पदस्थ कर्मचारी मैंने हुमाय को विरोध कले से राजपदवी हटावाई चेष्टा कले तबे नूतन सेना बाहिनी मध्ये दुर्बल हैला तेणु निजर साहस और दक्षतार अभाव जो यहीपरी परिस्थिति रे मुकाबला कर न पार्थिवार से हुमायूं निजर राज्य हरवा को पड़ा तो प्रकृत में हुमायूं मध्य निजर राज्य शासन व्यवस्था को हर बसते कारण तर अनेक शत्रु एवं अनेक व्यक्ति विशेष जे कि निजर से साहय कले ना तेणुक से निजर राज्य हरवा को सी बाध्य परवर्त आसे कि आप शेर शाह सहित से संघर्ष करते जे कि हुमायूं बहादुर शाह को परास्त कर गुजरात और मालवा अधिकार करते पश्चिम बहादुर शाह पी पूर्व शेर खां परी पराक्रमी थे पराक्रमी आगवान विद्रोह मध्य अन्यतम थे जेपरी पश्चिम बहादुर शाह पी बहादुर शाह थे सेपरी पूर्व शेर खां जे कि पराक्रमी विद्रोह थे सिंहासन पर हुमायूं शेर खां विरुद्ध युद्ध करते शेर खां आत्मसमर्पण करते जेहेतु हुमायूं गोटे पराक्रमी शासक थे तेणु से शेर खां को हर जिते बेले हुमायूं बहादुर शाह सहित युद्ध में विजयी थे से शेर खां पुणी बंग राज्य आक्रमण करने चेष्टा कले से समय बंग राजा थे मामूद शाह मामूद शाह चतुर्थ जी कि शेर खां सहित युद्ध करने बाध्य समय जेहेतु यही समय जेहेतु हुमायूं बहादुर शाह सहित युद्ध विजयी थे तेज से समय शेर खां पुणी बंग राज्य दे आक्रमण कले बंग राज्य आक्रमण कले से समय बंग राजा थे मामूद शाह तेणुक मामूद शाह चतुर्थ जी कि बंग राजा थे से शेर खां सहित युद्ध करने बाध्य फल शेर खां प्रभाव बंग एवं बिहार को प्रसार है परवर्त समय हुमायूं 1537 ख्रीटाब्दे 1537 ख्रीटाब्दे से गुजरात रु फेरी शेर खां विरुद्ध युद्ध कर चुनार दुर्ग जो आप अधिकार कले पर बंगाल जात्रा कर गौड़ अधिकार कले परवर्त समय से बंग को अधिकार जात्रा कर गौड़ को अधिकार कले शेर खां नारा जे कि नारा बनारस जौनपुर अधिकार करते आप शेर खां शेर खां अधीन आसला जिते बिल से विजयी होते बंगल को अधिकार करते बिल परवर्त समय से काशी गंगा नदी मुख्य जो आप नारा बनारस जो अधिकार करते शेर खां अधीन आसला काशी गंगा नदी मध्यवर्ती अंचल यह शुणी हुमायूं आग्रा जात कले शेष शेर खां पथ अवरोध करने को चेष्टा कले दुईं सहित गोटे युद्ध होता जहाँ चौसठ होता जहाँ 1547 ख्रीट एक युद्ध होता यह चौसठ युद्ध मध्य कहुए यह युद्ध में हुमायूं परास्त हो जीवन रक्षापाई से आग्रह पलायन करते से शेर खां सहित युद्ध करते चौसठ युद्ध से हारी जाते 1547 ख्रीटाब्दे तर 1540 ख्रीटाब्दे से कनौजे हुमायूं शेर शाह युद्ध में परास्त हो 1540 ख्रीटाब्दे कनौजे हुमायूं शेर शाह युद्ध में परास्त हो दिल्ली सिंहासन हर बसिले परवर्त समय से परिवार सहित निजर परिवार सहित पंजाब पर पारस्य ईरान को पलायन करते यहपरी भाव शेर शाह द्वारा युद्ध पराय हो से निजर परिवार सहित दिल्ली जो आप प्रथम पंजाब पर सार पारस्य ईरान को से पलायन कर निज परिवार सहित शेर शाह जे कि ख्रीटाब्द 1540 रु ख्रीटाब्द 1555 मध्य शासन कले मृत्यु पर हुमायूं को निजर साम्राज्य फेरवापी चेष्टा कले से मृत्यु पर हुमायूं निजर राज्य फेरवापी चेष्टा कले पारस्य राजा सहित साहय से काबुल और कांधार को अधिकार कले जिते बिल से शाह मृत्यु होता परवर्त समय हुमायूं से पुणी दूर आपंकर निजर राज्य फेरवापी चेष्टा कले से पारस्य राजा साहय काबुल और कांधार को अधिकार कले कि 1555 ख्रीटाब्दे पंजाब जय कर दिल्ली और आग्रा अधिकार कले कि फेरी जा
साम्राज्य को सी केवल गोटे वर्ष अधिक गोटे वर्ष अधिक समय भोग कर पारे ना निजर पाठागार सीढ़ी तलरू ओल्लैवा गोड़ खसी जीवार से 1556 ख्रीष्टाब्दे मृत्युवरण करते आप हुमायूं एवं हुमायूं शब्दर अर्थ होची आपंकर हुमायूं शब्दर अर्थ होची भाग्यहीन। तापर देखिबा मुगल साम्राज्यर विस्तार आकबर ठारु औरंगजेब होची मुगल साम्राज्यर एक उल्लेखनीय राजत्व थिला। एही समय रे मुगल माने भारतर अधिकार अधिकांश अंचल अधिकार करथिले एवं एहा सहित साहित्य कला कृषि और वाणिज्यर विकास एही समय रे मधे होइतला। हिंदू और मुसलमान मानकर संस्कृति समन्वय फल भारत एक नूतन संस्कृति अभ्युदय होता तेज चलतु ये मुगल साम्राज्यर विस्तार विषय राजा मैंने से मैंने आकबर ठार औरंगजेब मध्य पढ़ा प्रथम देखा आकबर जी कि 1556 रु 1605 मध्य शासन करते मुगल सम्राट मान सर्वश्रेष्ठ शासक थे सी पिता थे हुमायूं मृत्यु बेलू से केवल 13 वर्ष होता से समय से पंजाब शासन दायित्व थी किंतु बैराम खान अभिभावक रूपे शासन कार्य परिचालना करते जेहेतु से 13 वर्ष थी तेणु तक अभिभावक हिसाब से बैराम खान शासन कार्य साहय करते आपंकर आकबर को हुमायूं मृत्यु पर हिमू जी कि मुगल मान परास्त करते से दिल्ली और आग्रा को अधिकार करते से शेरशाह वंश थे जो आपंकर हेमू थे जी कि शेरशाह वंशर थी से मंत्री और सेनापति थे आपंकर शेरशाहर एवं आकबर बैराम खान सहायत हिमू को द्वितीय पानीपथ युद्ध में 1556 ख्रीष्टाब्दे परास्त करते से पुनः दिल्ली और आग्रा को अधिकार करते देखो जेहेतु आपंकर आकबर बैराम खान जो आप प्रथम पानीपथ युद्ध सरी जेहेतु दिल्ली और आग्रा को पुनर्बार आपंकर जी नहीं हुमायूं तेणु ताक पुनर्बार आगे अधिकार करते आपंकर आकबर जहाँ बैराम खान सहायत से हिमू को द्वितीय पानीपथ युद्ध से युद्ध दिल्ली और आग्रा को अधिकार करते से समय हिमू थे यही समस्त क्षमतार दाबी हर द्वितीय पानीपथ युद्ध 1556 ख्रीष्टाब्दे ये युद्ध से विजयी दिल्ली और आग्रा को पुनर्बार अधिकार करते देखा आकबर साम्राज्य विस्तार विषय आकबर साम्राज्य विस्तार जहाँ से क्षमतासीन होगापर जितेबले आकबर क्षमतासीन होगापर से आजमीर ग्वालियर अयोध्या कौनपुर जौनपुर मालवा गणपाल आदि राज्य जय करते फल राजपूत राज्य गुड़िकर सीमा को स्पर्श कले से समय राजपूत मैंने थे जी युद्धप्रिय साहसी देशभक्त थे तेणु आकबर तक सहित रही साज्य ना भावी सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन कले से राजपूत मान सहित वैवाहिक संपर्क होते से निजे राजपूत रमणी को बहुत करते जहाँ से प्रधान सेनापति प्रधान सेनापति थे जी कि राजा मानसिंह से देखु मेवाड़ राजा राणा प्रताप सिंह आकबर वशत्व स्वीकार करन देखते समस्त राजा मैंने मुगल मान वशत्व स्वीकार करते जितेबले से मैंने आत्मसमर्पण करते कि जो आप मेवाड़ राजा थे राणा प्रताप सिंह जी कि आकबर वशत्व स्वीकार कर तेणु आकबर मानसिंह को राणा प्रताप को तेणु मानसिंह को राणा प्रताप राज्य आक्रमण करने पठाइले कि आपंकर आकबर से 1576 ख्रीष्टाब्दे हल्दीघाट युद्ध में मानसिंह नेतृत्व में मुगल मैंने राणा प्रताप को पराजित कर चित्तूर दुर्ग अधिकार कले देखो यह गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट जहाँ 1576 ख्रीष्टाब्दे हल्दीघाट युद्ध में मानसिंह नेतृत्व में मुगल मैंने राणा प्रताप को पराजित कर चित्तूर दुर्ग को अधिकार कले तापर आकबर गुजरात को अधिकार करने चेष्टा कले एवं आकबर जो गुजरात बंदर गुड़िका जी आरब तथा यूरोप विभिन्न देश सह वाणिज्य कारबार जो केन्द्र था ताकूर आकबर आक्रमण करते अख्तियार करते तेणु राजकोष को जो आप तेणु राजकोष को वाणिज्यकर आकार प्रचुर अर्थ आसला जेहेतु यही जो
ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କରାଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କର ବସାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗ କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବଣିକମାନେ ଚିନାମାଟି ପାତ୍ର ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କିଣୁଥିଲେ। ଆକବର ବଙ୍ଗକୁ ଆକବର ଜୟ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆକବର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ 1595 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର, ସିନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା, କାନ୍ଧାର ପ୍ରଭୃତି ଜୟ କରି ଆସାମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସମସ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ 1595 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ପାରସ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଖାନ୍ଦେଶ, ବେରାର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ, ତାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳକାରୀ। ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସେ ସେନାବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଦିୱାନ ଥିଲେ ଯିଏ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର, ବକ୍ସି ଥିଲେ ଯିଏକି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ, କାଜି ଥିଲେ ଯିଏକି ଆଇନ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗ, ଏବଂ ଡାକ ଚୌକି ଯିଏକି ପାରକଡ଼ା ଡାକ ବା ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭାଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 15 ସୁବା ବା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରକୁ ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା, ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମର ସମଷ୍ଟି ଏକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ ସୁବେଦାର ବା ସୁବେଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆକବର, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତୋଡ଼ରମଲ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁସାରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ମାପ କରାଯାଇ ସେ ସମାଜରେ କରଗୁଡ଼ିକ ବସାଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କର କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଦେଉଥିଲେ, ବା ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ନିଜ ଆୟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କର କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଦେଉଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବା ରାଜାକୁ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକବର। ଏହି ପଦବୀ ଯାହାକି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏହି ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, ଏହା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କୁ 33 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ଯେଉଁ ମନସବଦାରୀକୁ ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କୁ 33 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ମନସବଦାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ 5,000-10,000 ସୈନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମନସବ କୁହାଯାଉଥିଲା, ହେଲା। ଏହି ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟକୁ ମନସବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକବର ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀକର ଉଠାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଜିଜିଆ କର ହେଉଛି ଅଣମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିବା କର, ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀକର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥ କରୁଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କର ବସାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥକର ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଆକବର ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ନଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ବା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆକବରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଇବାଦତଖାନା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ ଯାହା 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଯେଉଁ ଇବାଦତଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ପାର୍ସି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୈନ ପ୍ରଦିତମାନେ ଆସି ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ
दिन इ इलाही से एक धर्म प्रतिष्ठा करते जहाँ हूँ आप दिन इ इलाही जार प्रकृत अर्थ है स्वर्गीय विश्वास। यही दिन इ इलाही सब धर्म सारकथा को नहीं नूतन धर्म सृष्टि करते धर्म ग्रहण करने का बाध्य कर जो दिन इ इलाही धर्म से प्रतिष्ठा करते आरंभ करते तेणु यही धर्म को ग्रहण करने को कौन सी व्यक्ति को से बाध्य कर निज मन मुताबक यही धर्म को ग्रहण करने से कहते तब देखा कला और साहित्य। कला और साहित्य आगरा निकटवर्ती फतेहपुर सिक्री ठारे एक नूतन राजधानी अकबर निर्माण करते जहाँ से लाल प्रस्तर एक अति सुंदर राजप्रसाद निर्मित होता सेठे बुलंदरबाजा एक विशाल फाटक से निर्माण करते देखिपे यह हूँ से बुलंदरबाजा जहाँकि फतेहपुर सिक्री ठारे से यह निर्माण करते समय संस्कृति आरबी पारसी हिंदी भाषा साहित्यर प्रसार होता समय यह समस्त भाषार साहित्य प्रसार होता राजदरबारी पंडित बहुत थे राजदरबार अनेक राजदरबारी कवि थे जपरिकी ए मध्यु अबुल फजल अकबर जे कि अकबरनामा लिखी थे से आईन इ अकबरी लिखी थे एवं से पारसी भाषा ये समस्त अबुल फजल जो व्यक्ति से अकबरनामा पारसी भाषा से यही रचना करते से रामायण रामायण और महाभारत पारसी भाषा अनुवादित होता हिंदी रामायण जहाँ को तुलसीदास लिखी थे जार नाम था रामचरित मानस रामचरित मानस हिसाब से नाम परिचित अकबर दरबार श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे तानसेन जे कि अकबर दरबार श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे से 1605 ख्रीष्टाब्दे मृत्युवरण करते तबे देखा जहांगीर जहांगीर विषय जानवा अकबर उत्तराधिकारी मैंने राज्य शासन करिवारे विशेष असुविधा सम्मुखीन जा समृद्धि पाई है तेणु अकबर योद्धा जहांगीर शाहजहां एवं औरंगजेब सा राज्य शासन करिवारे विशेष असुविधा हो नथिला अकबर मृत्यु पर 1506 ख्रीष्टाब्दे जहांगीर सिंहासन आरंभ करते सिंहासन आहरण करते 1611 ख्रीष्टाब्दे 1611 ख्रीष्टाब्दे नूरजहां को से विवाह करते जी कि अत्यंत सुंदरी एवं बुद्धिमती थी निजर रूप से जहांगीर को प्रभावित करते राज्य शासन कार्य अवहेला कले निजे शासन परिचालना करते सरकारी कागजपत्र नूरजहां दस्तखत होता से समय मुद्रे से पति पत्नी नाम रोला जपर जहांगीर और नूरजहां केतक मुद्रा देखा मिलता है से समय पति पत्नी चित्र देखा मिलता है जहांगीर बंगदेश को विद्रोह कर सेठे निजर कथित बुढ़ी करते मेवार राजा अमर सिंह तक सहित सन्धि करशता स्वीकार करते मेवार जो राजा थे अमर सिंह तक सहित सन्धि करशता स्वीकार करते पंजाबर पहाड़िया अंचल अवस्थित कांगरा दुर्ग अधिकार करते दाक्षिणात्य अहमदाबाद नगर राज्य अधीन को आसाला पिता परी राजपूत मान सहित से मैंने अनेक प्रकार वैवाहिक संपर्क करते निजर क्षमता को से अति आप क्षमता को से संपर्क स्थापन कर क्षमता को वृद्धि करते इंग्लैंड राजा जी की इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स दूत रूप से सार टॉमस रो को से जहांगीर को दरबार को पठाई थे एवं टॉमस रो इंग्रेज मानक वाणिज्य सुविधा हासिल करुले राजकुमार खुरुम एवं शाहजहां जहांगीर शासन शेष वर्ष विद्रोह करते जिते जहांगीर शेष वर्ष राजकुमार खुरुम एवं शाहजहां जहांगीर शासन शेष वर्ष विद्रोह करते परवर्त समय 1607 ख्रीष्टाब्दे 1607 ख्रीष्टाब्दे जहांगीर मृत्युवरण होता तब देखा सरी 1627 ख्रीष्टाब्दे जहांगीर मृत्युवरण होता परवर्त समय जो तृतीय पुत्र थे जहांगीर तृतीय पुत्र थे आप शाहजहां से सिंहासन आणकुले 1627 ख्रीष्टाब्दे जहांगीर तृतीय पुत्र शाहजहां तृतीय पुत्र सरी जहांगीर तृतीय पुत्र शाहजहां जी कि
ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ ଏବଂ 1629 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦିଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିବା ପୁର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଶାହାଜାହାନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟଙ୍କ କବଳରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ହରାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଶାହାଜାହାନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ କବଳରୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେ ତିନି ଥର କାନ୍ଦାହାର ଅଧିକାର କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜାପୁର ଓ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ସୁଲତାନମାନେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଶାହାଜାହାନ ନିଜର ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବେଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଯିଏକି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବେଦାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ମୋଗଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମୋଗଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଗ୍ରାରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ, ଯାହା ପତ୍ନୀଙ୍କ ମମତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଜମହଲ ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାହାଜାହାନ ଯାହା ଜୁମା ମସଜିଦ, ମୋତି ମସଜିଦ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କୃତିଥିଲା। ସେ ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ଥିବା ସୌଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତି ମସଜିଦ, ମୋତି ମହଲ, ହୀରା ମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ, ଦିୱାନୀ ଇ ଖାସ୍ ଓ ଦିୱାନୀ ଆମ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମହଲ ଏହି ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ 1667 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସତାଜରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଜମହଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଜୁମା ମସଜିଦ, ମୋତି ମସଜିଦ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପକଣ୍ଠ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପକଣ୍ଠ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ ଶାହାଜାହାନ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1667 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ 8 ବର୍ଷର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜୀବନ କଟାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଜୀବନୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ତାଙ୍କର ଶାସନକାଳ ବିଷୟରେ ପିତାଙ୍କ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ ବା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ଦେଖିଥିବା, ସେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥକର ବସାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆକବର ଏହାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତୀର୍ଥକର ଏବଂ ଜିଜିଆକୁ ପୁନର୍ବାର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏହାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିଖମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିଲା। ତେଣୁ ଜାଟ, ଶିଖ, ସତନାମୀ, ବୁନ୍ଦେଲ, ରାଜପୁତ, ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମଦତ୍ତା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟଜୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମ ଓ କୁଚ୍ ବିହାର ଜୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯିଏକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଜାତିମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଦମନ କରି ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମଥୁରାର ଜାଠ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ସତନାମୀମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ମେୱାର ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ଜୟ ସିଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସହ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗଦୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେୱାର ରାଜପୁତମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସହିତ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମେୱାର ରାଜପୁତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବଶ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନମାନେ ଥିଲେ, କେବଳ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିଖମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ତେଜ୍ ବାହାଦୁରକୁ ସେ ତେଜ
बहादुर को इस्लाम धर्म ग्रहण करने को मना करबा को से इस्लाम धर्म ग्रहण करबारो मना करबारो ताकू हत्या करथले। परवर्ती समय रे एहार प्रतिशोध नेबा पई दशम गुरु जे कि गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब सहित संग्राम कले एवं एही प्रभाव रे से अनेक देश मानक बा अनेक व्यक्ति विशेष मानक सहित शत्रुता स्थापन करथले। एवं परवर्ती समय रे से शिवाजी को नेतृत्व रे मरहट्टा माने दक्षिणोत्तर क्रमशः क्षमता विस्तार कले किंतु अहमदनगर गोलकुंडा बीजापुर देव मुगल साम्राज्य भुक्त करथिला। भारतर पूर्व ओ पश्चिम उपकूलवर्ती को उपकूल को औरंगजेब पोर्तुगीज ओ इंग्रेज मानक उपद्रव रु रक्षा करथिले। से पोर्तुगीज जलदेश मानक जबत करी चट्टग्राम अधिकार करथिले। औरंगजेब इंग्रेज जलदेश मानक दमन करी से ठारु 1.5 लाख टंका जरिमाना आदाय करथिले। एहीपरि भाव से पोर्तुगीज मानक सहित मध्य संग्राम करथिले एवं परवर्त समय से 1707 ख्रीष्टाब्दरे मृत्युबरण करथिले। से संयमी और कर्तव्य परायण राजा थिले। तापर देखिबा आपंकर रहिछि मुगल शासक मानकर अन्य शासक मानक सह संपर्क किपर थिला। देखु मुगल माने अत्यंत क्षमताशाली थिले जो राजा बसदा स्वीकार करनते तांको विरुद्ध युद्ध करथिले एवं तेणु भारत में अनेक शासक सन्धि करने आगक आसुले। भाव सेनेक प्रकार संपर्क स्थापन करते सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन कर निजर राज्य सहित से राज्य को मध्य मेसा दूसरे। प्रथम राजपूत मैंने जेकि वशता स्वीकार करते निजर संपर्क सहित से मुगल मान सहित संपर्क स्थापन करते हैं राजपूत मैंने अनेक राजपूत मैंने निजर कल्याण को मुगल मान सहित अनेक राजपूत मैंने निजर कन्या को मुगल मान सहित बहुत कर उच्च पदवी रोते एम जहांगीर माता थे अमर जी जयपुर राजपूत कन्या थी शाहजहां माता थी राठौर वंश जहाँकि राजकुमारी थे से मरवार जोधपुर गोटे शासक थे वशत्ता स्वीकार करने शिशुदीय राजपूत मैंने मना करते देखते इम समस्त राजपूत मैंने मुगल मान वशत्ता स्वीकार करने चेष्टा करते हाँ भरुले किंतु वशत्ता स्वीकार करने शिशुदीय राजपूत मैंने मना करते मुगल मान राज वशत्ता स्वीकार करने परवर्त समय मुगल मैंने पराजित कले किंतु उपयुक्त स्थान दे से जमी को फेर थे। शत्रु मैंने जो आप शत्रु मैंने पराजित होगापर असमान कर मुगल मैंने तेणु राजपूत मैंने मुगल शासकों पर प्रभाव विस्तार करने अत्यंत सुविधा होता जेहेतु से शत्रु मैंने पराजित होगापर असमान कर तेणुक अनेक राजपूत मैंने जो आप मुगल शासन प्रभाव विस्तार करने अत्यंत सुविधा होता और से चेष्टा करते यही समय औरंगजेब शिवाजी को अपमान करते समय औरंगजेब शिवाजी को अपमान करद्वारा तार कुपहार मुगल साम्राज्य उपर पड़ा और से मुगल साम्राज्य पतन होवार केतेक आंशिक रूप देखा। देख मुगल शासन व्यवस्था किप मुगल शासन व्यवस्था विशाल और सुशासन करते सुशासन पर से अकबर अमर असंति बोली आम ऐतिहासिक मैंने जोड़े था कारण तक समाज में अनेक प्रकार सुशासन कार्य देखा मिलता है। आकबर शासन नीति थी केन्द्रीय राजतंत्र थिला एवं राजा थे शासन सर्वोच्चकर्ता सैन्य बाहन मुख्य थे राजा सर्वोच्च न्यायाधीश थे राजा शासन में परामर्श देवाई एक मंत्रिपरिषद और अन्य कर्मचारी रखुले शासन सुपरिचालना परी आकबर साम्राज्य को 15 सुबार विभक्त करते साम्राज्य आप शासन सुपरिचालना करने आकबर साम्राज्य को 15 सुबार प्रदेश में विभक्त करते प्रत्येक सुबा को जड़े जड़े सुबेदार निजुक्त करते सुबेदार जहाँ दल ने निम्नस्थ पदस्थ कर्मचारी थे प्रत्येक सुबा केतेक प्रकार सरकार बा जिले विभक्त होते प्रत्येक जिले यार शासन कार्य 4 कर्मचारी मान न्यस्त था यहाँ शासन व्यवस्था एवं प्रत्येक सरकार केतेक प्रगाण से गठित होता विभक्त होता सरकार प्रत्येक
4 जन कर्मचारी को निजुक्त करते सामरिक बा मनसबदारी प्रथा आकबर प्रचलन करते देखते जो मनसबदारी प्रथा को आपंकर आकबर प्रचलन करते आकबर समय से हिंदू मान सहित तीर्थकर जिजाकर उच्छेद करते किंतु परवर्त समय आपंकर औरंगजेब यह पुनर्बार लगे थे। भू राजस्व देशर सर्वोच्च श्रेष्ठ आय था भू राजस्व जहाँ उत्पादन एक तृतीयांश को भू राजस्व रूप से मैंने आदाय करते कृषक मानूम आकबर विचार विभाग उन्नत था हिंदू मान हिंदू विचारपति से समाज में अनेक प्रकार हिंदू विचारपति मानुक्ति मिलूला और से शासन कार्य निजक अंशीदार करते देखा आकबर आकबर जहांगीर शासन काल में धनी गरीब क्षमताशाली और दुर्लभ श्रेणी लोक मैंने सामान न्याय पाइपार आकबर एवं जहांगीर समाज में धनी और गरीब लोक मैंने सामान क्षमता उपभोग करते सरी सामान न्याय उपभोग करते देखा धार्मिक नीति जो आप मुगल शासक मान सहित धार्मिक नीति किप जो औरंगजेब को छाड़ अन्न सब धर्मवल्लमी कारबार राजा थे औरंगजेब कारण से तो मुसलमान व्यतीत अन्य कौन से धर्म व्यक्ति को से भल पा ना से हीन नजर देखुले तेणुक औरंगजेब को छाणी अन्य सब राजा मैंने सब धर्मावलम्बी थे। यही समाज में शैव वैष्णव शिख इस्लाम ख्रीस्टियान जैन जोराष्ट्र धर्म प्रचलित होता आकबर दीन इ इलाही धर्म आरंभ करते जो आकबर थे जेकि दीन इ इलाही धर्म आरंभ करते तार लक्ष्य था प्रत्येक धर्म मध्य प्रीति स्थापन करवा आकबर जेकि जिजिया और जातिकर उठाई हिंदू मानूरंगजेब समाज में हिंदू मान कौन उच्च पदवी निजुक्त दिगला ना कारण से हिंदू विरोधी थे और अगर कौन धर्म को सी सपोर्ट करवल से मुसलमान मान सपोर्ट करते हीरो हिंदू विरोध नीति जो मुगल साम्राज्य पतन आड़क अग्रसर होता देखा मुगल शासन समय लोक मान सामाजिक और अर्थनैतिक व्यवस्था किपर था देखो समय प्रथम नागरिक होते सम्राट सम्राट जिकि सामंती समय प्रथम महिला थे जिकि आप सामग्री थे जिकि सामग्री साम्राज्ञी थे जिकि प्रथम महिला मुसलमान समाज को चार विभक्त कराला प्रथम थे सम्राट द्वितीय थे सम्रांत श्रेणी परवर्त जो आप तृतीय थे आप मध्यवित श्रेणी एवं चतुर्थ थे आप सर्वनिम्न श्रेणी सम्राट जी समस्त क्षमता उपभोग करते सम्रांत श्रेणी जी थी विशाल से विलास विश्वास करते राजा पर से मध्य मध्यवित व्यक्ति विशेष थे जिकि वाणिज्य एवं से लेखक वैद्य कारागर एवं अनेक प्रकार कार्य करते सर्वनिम्न श्रेणी थे जिकि कृषक बणिक श्रमिक सुचारी यहीपर भाव अनेक प्रकार से भाव में मुसलमान समाज को चार भाव विभूत कराइला सुल्तानी शासन पर दासत प्रथा प्रचलन था देखते सुल्तान जपरी सुल्तानी शासन दिल्ली में सुल्तानी शासन चलता से हीपरी मुगल साम्राज्य में दासत्व प्रथा प्रचलित होता भोजन से मुसलमान मैंने भोजन में भात रोटी मंस खाऊ से प्रिय खाद्य था बिरीयानी आपरियानी एवं कचम्बर कचम्बर था से प्रिय खाद्य जहाँ मुसलमान मान प्रिय खाद्य था से प्रिय फल था से सीओ अंगूर डालिंब और रंगीन सरबत यहपर से फल रूप पान करते हिंदू मान प्रिय खाद्य था खिचुड़ी जिकि जहाँकि हिंदू मान प्रिय खाद्य था उत्तर भारत में रोटी थिला प्रिय मुसलमान रमणी मैंने सलवार कुर्ता पियरियाना करुले परिधान करुले निज को सुसज्जित रंजित करने कजल अतर गोलाप जल नखरंजक महेन्दी अनेक प्रकार सेनेक प्रकार सरंजम निज देह लगाऊ सेमंकर साधारण जनता जिकि मोटा सूतार पोशाक मुंडे पगड़ी पिवा करते साधारण जनता मैंने जो बसवास करते मुगल साम्राज्य सेमंकर अवरसर विनोदन से मनोरंजन कार्यक्रम ग्रहण करते जपरिक नौ विहार शिकार खंडाजुद्ध घोड़ा दौड़ तीरचालना मुसलमान मानकर यही सब एवं सामंत मान समस्त कार्य अवसर विनोदन कर एवं साधारण मुसलमान मैंने जिकि शतरंज गुड़ी भुड़ा
पारा उड़ा कुकुड़ा लड़े यही प्रकार कार्य से साधारण लोक मैंने अवसर विनोदन करुले एवं हिंदू मैंने मल्लजोद्धा कुस्ती शिकार पशाकाली वाद्यजंत्र रामलीला कृष्णलीला जादू खेल यहीपर अनेक पर्वपर्वाणी निजर कार्य को निजर कार्य को आप अवसर विनोदन करुले मुसलमान मान पर्व था जपरिक आपंकर रही मुसलमान मान पर्व था मोहरम ईद एवं हिंदू मान पर्व था जीवन जन्मोत्सव नामकरण मुंडन कर्म रक्षाबंधन जन्माष्टमी दीपावली शिवा शिव जो आप शिवरात्रि रामनवमी आदि पर्व पाणी पालन करते मुसलमान मान विद्यालय शिक्षा सारी मद्रास अध्ययन करते हिंदू मैंने प्राथमिक विद्यालय बा टोल विद्या लाभ करी से उच्च शिक्षा केन्द्र को जाऊ देखा साहित्य कला और स्थापत्यर विकास से समय भाषा थी पारसी आरबी उर्दू हिंदी और साहित्यर विकास से समय होता मुगल दरबार में अनेक दरबारी कवि और लेखक थे बाबर हिमायू जहांगीर औरंगजेब अनेक व्यक्ति विशेष बा अनेक राजा मैंने आत्मचरित लिखी कबीर और तुलसीदास रचित ग्रंथ गुड़िक बेस जनप्रिय था से समय कबीर और तुलसीदास रचित ग्रंथ गुड़िक बेस जनप्रिय था से समय अंधकवि थे आप सुरदास जी कि सुर साहु जहाँ को अंधकवि थे आप सुरदास जी कि जिकि सुर सागर रचना करते रसखा जिकि प्रेम बटिका रचना करते यहीपर अनेक प्रकार प्रसिद्ध दरबारी कवि से साहित्य करते जिकि मुगल साम्राज्य निजर साहित्य कृति निजक परिचय दे था साहित्य माध्यम बहु हिंदू और इस्लाम संस्कृति समान घटी तब देखा कला और जो आप स्थापत्य विकास कला और स्थापत्य देखा जहाँ मध्यम शाहजहाँ राजत्व काल में मुगल कला और स्थापत्य सुवर्ण युग रूप प्रसिद्ध था सम्राट मैंने राजप्रसाद दुर्ग मस्जिद समाधि सौध निर्माण कर अर्थ व्यय करते जपरिक आग्रा दुर्ग फतेहपुर सिक्री राजप्रसाद लाल पथर निर्मित होता यहीपर समस्त कला स्थापत्य से राजा निर्माण करते मार्बल पथर शाहजहाँ व्यवहार करते प्रथम जो आपंकर शाहजहाँ जी कि मार्बल पथर व्यवहार करते जी ताजमहल निर्माण करते जहाँ जमुना नदी कूल उपस्थित एवं यही मार्बल पथर में मोती मस्जिद लालकिल्ला जुमा मस्जिद निर्माण करा एवं मार्बल पथर से हीरा मोती मुक्ता एवं से खचित विश्वविख्यात मयूर सिंहासन आपंकर शाहजहाँ निर्माण करते जहांगीर समाज में चित्रकलार विकास देखा मिलता जहाँकि से सर टॉमस रो स्वस्थरे आसी यूरोपीय चित्रकला प्रति आकृष्ट होते दरबार श्रेष्ठ कवि थे विमन दास तो ये गोटे समरी वीडियो जहाँ आपन को बहुत हेल्पफुल रहा आपण स्टडीज पढ़ापी कम समय आपई टॉपिक को आप कवर करेंगे तो वीडियो को कंप्लीट देखिथ विशेष विशेष धन्यवाद।